नमस्कार, अपन विशेष में स्वागत करै छी। हम अजय शाह शिवाली। नेपाल के नक्शा परिवर्तन भेल छै, या कही सुधारल केल जाय, जे पहले किछ कमी भेल रहे तेकरा सुधार कऽ अखन नया नक्शा सार्वजनिक कयल गेल छै। प्रतिनिधि सभा से पारित भ चुकले किछ दिन पहले 31 गते के, आ काल्हि मात्रे राष्ट्रीय सभा से समेत पारित भ कऽ राष्ट्रपति से प्रमाणीकरण समेत भ चुकल छै। राजपत्र में समेत ई चलि आयल छै, संविधान संशोधन भ गेलै से बात। तऽ एक किस्म से कही ई नक्शा जे नया नक्शा सार्वजनिक भेल छै, लिपुलेख, लिम्पिया धुरा आ काला पानी सहित के नया नक्शा औपचारिक रूप में बनि गेलै नेपाल के। आब एहिसँ प्रभाव की पड़तै, एकटा बात बेर बेर उठै छै कि वार्ता से समस्या समाधान कयल जाय, लेकिन ओहो बात अखन तक नहि भ रहल छै, प्रयास जारी छै। आब के अवस्था केहन रहतै, ई समस्या केना कऽ सुलझाओल जा सकै छै, एहि विषयमे आइ चर्चा करय जा रहल छी। आइ जुड़ल छै देवेश झा, ओ राजनीतिक विश्लेषक, मधेश संवाद समूह के संयोजक सेहो छथि। देवेश जी, कार्यक्रम में स्वागत करै छी। धन्यवाद। आब जै हिसाब से पिछला एक किस्म से बहुत गड़मायल रहे ई बात कि नक्शा सार्वजनिक कयल जाय, भारत लिम्पुआ धोड़ा, लिपुलेख आ काला पानी पर अतिक्रमण कयने छै बहुत साल से, लेकिन एहि अवधि में किनको एहि विषय में ध्यान नहीं केलै, लेकिन एहि बेर निकपा के सरकार एहि विषय में ध्यान देलके आ नया नक्शा सार्वजनिक, नक्शा तो बनि गेलै, आब ई भूमि फिरता एते केना। अब एकरा वास्ते अजय जी, सरकार के पास निस्संदेह कोनो योजना तो हेबे करते, ओना ई नक्शा के प्रकरण जे छे ई तार्किक और संवैधानिक प्रक्रिया से अधिक भावनात्मक प्रक्रिया के द्वारा ई निर्देशित देखल गेलै है। एहिमे ज्यादे भावना के असर छे, नेपाली जनमानस में एक प्रकार के उत्तेजना के अवस्था छे। एहि विषय पर कोनो प्रकार के टिप्पणी राष्ट्रघात के रूप में गणना कयल जा रहल छे, अहाँ देख रहल छी लगातार। अब चूंकि राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणीकरण भ चुकल छे, लेके एकरा में अब अन्य बात करे के ओते अर्थ त नहीं रह गेले, तथापि कमी कमजोरी विगत में एहिमे भेलै है। अब एकरा आने के प्रक्रिया सरकार के पास हेतै, तहन अहाँ संसद में बहस के दौरान सुनने हेबै जे सरकार ई नक्शा के प्रकाशन कैके एकरा संविधान संशोधन करे तक के अवस्था में पहुंच गेले, और सारा प्रक्रिया संपन्न केला के बाद प्रमाण संकलन करने कही के एक 9 सदस्यीय विज्ञ समूह गठन कलक। अब अगर प्रमाण नहीं रहे तो कथी ले सार्वजनिक की नक्शा के संशोधन कथी ले कलके, और अगर प्रमाण रहे तो प्रमाण संकलन करे के नाम पर विज्ञ समूह कथी ले गठन कलके। बड़ा दोधारे दिशा दिखाई दे रहा है, बड़ा दुविधापूर्ण अवस्था अखन तक बनले है। तकर बावजूद अब परिस्थिति जे संविधान प्रमाण तो विभिन्न किस्म के तो आवत आयल छे, प्रमाण के बात करी तो विभिन्न किस्म के नक्शा सब देखाल जा रहा है, पहले की नक्शा सब बनल रहे अंग्रेज के पाला में, ते के बाद भारत कौन के नक्शा बनेने रहे, नहीं विगत के बात सब जे छे, विगत के जे नक्शा सब सार्वजनिक होत आयल छे एखनो, तो इहे तो प्रमाण सब छे। अजय जी, हमर ई प्रश्न नहीं छले है, हमर प्रश्न ई रहे जे प्रमाण छ रहबे करे तो फिर प्रमाण संकलन करने कह के नक्शा बनला के बाद, नक्शा प्रमाणीकरण के बाद विज्ञ समूह कथी गठन कैल गेल है, जे चलते कि क्वेश्चन मार्क खड़ा भेल। अहाँ देखने हेबे भारतीय मीडिया अही विषय के विवादास्पद बनलके, जे नेपाल के अखन तक प्रमाणो नहीं छे, तो ई तो अपना तरफ से त्रुटि भेलै ना। यदि अन्य प्रयोजन से विज्ञ समूह बनल छे तो ओ प्रयोजन के स्पष्ट करना रहे, लेकिन मंत्री परिषद द्वारा जे निर्णय भेलै और जे कार्यादेश देल गेल छे ओहिमे स्पष्ट रूप से लिखल छे प्रमाण संकलन करना को लागी, तो एकरा कथी मानल जाए। हम ई नहीं कह रहल छी जे सरकार के पास प्रमाण नहीं छे, हम ई कह रहल छी जे प्रमाण रहे प्रमाण संकलन करे के वास्ते समिति या विज्ञ टोली बनबे के जरूरत, विज्ञ टोली प्रमाण संकलन के लेल छे के प्रश्न भेल, या प्रमाण के व्यवस्थित करे के लेल छे नाम हुए। अगर प्रमाण के व्यवस्थित मात्र करे के छे तो ओय के वास्ते सरकार के पास पूर्ण मैकेनिज्म छे, पर राष्ट्र मंत्रालय छे, अभिलेखागार छे,
गृह मंत्रालय छै, नक्शा विभाग छै, नापी विभाग छै, सारा योग्य व्यक्ति सब छै, ओहि वास्ते प्रशासनिक संरचना छै, ताहिके वास्ते कोनो अलग समिति के आवश्यकता छै जे नहि हमरा लागैए। और अगर रहबो करे तब अहाँ जेना कहलिए हम अहीं के शब्द ओहिमे राखि देबय चाहै छी, प्रमाण व्यवस्थापन समिति या विज्ञ समिति ओकरा कहि देल जेतै, प्रमाण संकलन विज्ञ समिति कथी लए कहल गेलै। एहिके मतलब प्रमाण नहि छै या कही आप संकलन कइये रहल छै नेपाल सरकार से अपने कइ रहल छै जे हिसाब से गठन नहीं नहीं ई मौका देलकै, ई मौका देलकै नेपाल सरकार, मतलब भारत ई के मौका बाजारमे मौका देलकै देलकै से कइ रहल छै। निस्संदेह। हाँ, भारतीय मीडिया में ई प्रश्न तो उठ गेलै कथी ले एहन कैल गेलै। जी, तो अखुन तक के अध्ययन अनुसंधान से अपने के की लगैया, जे हिसाब से नक्शा सार्वजनिक भ चुकलै, ई सहज छलै नक्शा सार्वजनिक भेलै, लेकिन आब तो कठिन यात्रा छै ने, भूमि केना के फिरता है? अभी नेपाल के पास बहुत विकल्प नहीं छे अजय जी। नेपाल चूंकि आब संविधानतः ई नक्शा के स्वीकार कर लेलकै है, ते लैके आब नेपाल ए विषय पर कोनो तरह के निगोशिएशन करे के अवस्था में नहीं छे। अब नेपाल के पास सिर्फ एक लाइन के वक्तव्य छे, भारतीय सेना वापस जाओ। तब एखन कूटनीतिक माध्यम द्वारा वार्ता करने कह के जे बात चल रहल छे, तो अहाँ ई बात निक जकाँ जानै छी, अपना सबके गामो घर में अगर कोनो बात के वाद विवाद भेलै, अगर छर छिमेकी संगे अगर कोनो तरह के सीमा नक्शा के बारे में कोनो तरह के अगर विवाद छे, तो अहाँ वार्ता तखने कह सकै छी जखन अहाँ के पास निगोशिएशन के कोनो स्पेस छे। तो एहिठाम आब निगोशिएशन के स्पेस नहीं छे, नेपाल के सिर्फ एक लाइन के मैसेज ओहिठाम देनाइ छै जे भारतीय सेना एहिठाम से जाना चाही। अब अहाँ स्वाभाविक बुझि सकै छी जे भारत के वास्ते सिर्फ ई मैसेज सुनै लए वार्ता करे के इच्छा तऽ नहि हेतै, ओ तऽ तखने वार्ता करय चाहतै जखन दुनू पक्ष के पास कोनो स्पेस छै, लेकिन आब स्पेस तऽ छै नहि, किया तऽ नेपाल संविधान तऽ एहि बात के स्वीकार कए चुकल छै, और संविधान में अहाँ कोनो बात अगर स्वीकार कए लिए तऽ आब ओ अहाँ के वास्ते पत्थर के लकीर छी, ओहिसँ अहाँ दायाँ बायाँ आब नहि कए सकै छी, न सिर्फ ई सरकार बल्कि भविष्य में बनै वाला कोनो भी सरकार ई संविधान रहे तक, ई संविधान जी। के जब भारत के बात कहल कायम रहे भारत तक के बात कोनो कहल तरह जाए के तो बात नहीं भ जी, सकै छै। भारत के बात कहल जाए तो किछ दिन पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेहो ओ कह रहल छथि कि वार्ता हुअ के चाही, नेपाल भारत के संबंध बहुत घनिष्ठ छै, नहीं पौराणिक संबंध छै, वार्ता से समाधान कैल जा सके के हुनकर कथन अयलै। निस्संदेह ई एकटा राजनीतिक फ्रेज छियै अजय जी, ककरो भी मुंह से अहाँ ई नहीं सुनबै जे वार्ता नहीं करना चाही। तो अगर वार्ता करवा के चाहिए तो वार्ता क्या किया नहीं रहल छे, और अहाँ लगातार देखियो पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से दोषारोपणों के क्रम जारी छे। किछ दिन पहिने भारतीय संचार माध्यम के द्वारा न्यूज देल गेले जे भारत जे छे से प्रधानमंत्री से वार्ता करे चाहलके, और नेपाल के प्रधानमंत्री नेपाल के संसद के ई बात के जानकारी नहीं करेलके, जबकि नेपाल लगातार कह रहल छे जे हम बारम्बार वार्ता के आग्रह कह रहल छे और भारत के तरफ से कोनो रिस्पॉन्स नहीं आबि रहल छे। अहाँ कैटेगोरिकली देखबै जे वार्ता करे के इच्छा छै कि नहि छै, ई एकटा प्रश्न चिन्ह बनि गेल छै दुनू पक्ष के तरफ से, किया तऽ नेपाल के प्रधानमंत्री जी सेहो संसद में कै बेर अटपटा बात सब कहि रहल छथिन, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में टिप्पणी केलखिन जकर ओतेक आवश्यकता नहीं रहे। ई बात अहाँ अनेको लोक से मुँह से सुनने अयबै, संसदो में ई प्रश्न उठले रहे जे ई बात के उठाबे के जरूरत कोन रहे। तऽ अब भारत के तरफ से वार्ता होना चाहिए आबि रहल छै, और साथ में भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा औपचारिक रूप से कहल जा रहल छे जे वार्ता का वातावरण बनाया जाए, मतलब वार्ता के वातावरण बनबे के वास्ते नेपाल के कहि रहल छे। एकर मतलब ई भेलै, कूटनीतिक भाषा में एकरा ई बुझल जाय छे जे अहाँ जे वातावरण बनेने छिए ओहिसँ हम संतुष्ट नहीं छी, अहाँ वातावरण का परिवर्तन करू। तो आई के वातावरण मतलब का की कथी भेलै, परिवर्तन वातावरण करबै केना आब के अहाँ? बनेतै नेपाल? आई के पहिले वातावरण बनबे जे के नक्शा वास्ते छलै वएह तऽ अहाँ नक्शा ओहि जगह राखि पर कऽ ताहिके स्पेस बाद दिअ। वार्ता करऽ पड़तै। नहीं, वो तो भारत के अपन जे सोच हेतै, हम ओहि दिशा में किछु टिप्पणी नहीं कह सकै छी, किया तो भारत के सोच के बारे में हमरा कोनो आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन जे हिसाब से वो प्रस्तुत भेल छे, जे बात भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा आनल गेलैए, ओकर कूटनीतिक अर्थ हम अहाँ के बतेलौं, जे कूटनीतिक परिभाषा में ओकरा इएह मानल जाइ छै। तऽ आब सवाल छै जे नेपाल एहन कोन काज करतै जाहिसँ वातावरण बनलै, तऽ ओहि वास्ते नेपाल के परराष्ट्र मंत्रालय स्तर पर और भारत के परराष्ट्र मंत्रालय स्तर पर, दुनू के परराष्ट्र मंत्रालय स्तर पर एहि विषय में आपस में छलफल करे पड़तै, आपस में परामर्श करे पड़तै कि की कैला से वातावरण बनतै, लेकिन ओ काज नहीं भ रहल छै। एकर यह टा एकमात्र मार्गचित्र छै।
तत्काल तऽ किछो एहन होइत देखाइ नहि दऽ रहल छै। आब अंडर करेंट अगर किछो भए रहल छै कोनो ट्रैक टू या कोनो दोसर चैनल से किछो भऽ रहल छै तऽ अलग बात छै, ओना सतहमे किछु नहि देखाइ दऽ रहल छै। जी एकटा चीन के प्रसंग सेहो जोड़ चाहब जे पछिला समय में चीन आ भारत बीच में किसी से भिड़ंत सेहो भेलै यऽ। किछु दिन पहिले नेपाल नया नक्शा सार्वजनिक केलकै यऽ, फिर चीन आ भारत बीच में किछु तनाव के अवस्था सेहो छै। इस तीनू देश के लऽ कऽ अपने कोन रूपे देखै छी पछिला जे तनाव से देखल गेलै? नहि, एकरा नेपाल के तनाव के बिना कोनो तथ्य प्रमाण के आधार पर ओहि घटना संगे जोड़नाइ ओतेक बुद्धिमानीपूर्ण बात हेतै जेहन हमरा नहि लागैए। किया तऽ भारतीय मीडिया के द्वारा भले ही आरोप लगातार लगाएल गेलैए कि नेपाल में जे भी भए रहल छै सब चीन के सह पर भए रहल छै, हालांकि चीन के लगभग सरकारी मुखपत्र के रूप में चीन में छै ग्लोबल टाइम्स, जेकर संपादकीय में ई बात के चर्चा कैल गेल रहे कि अगर भारत युद्ध के स्थिति उत्पन्न करी छे, भारत अगर तनाव को बढ़वे छे तो चीन के संगे संगे पाकिस्तान और नेपाल के द्वारा सेहो सैन्य दबाव भारत के देखे पड़ सके छे, जकर खंडन अखन तक नेपाल के तरफ से नहीं भेलैया। नेपाल सरकार के अथवा नेपाल के कोनो भी सरकारी तह के कोनो भी व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा एहि विषय पर कोनो तरह के इनकार नहीं कैल गेलैया। तो ई एकटा प्रश्न चिन्ह तो खड़ा भेलै है कि चीन एहि तरह के बात किया उठेलकै है, नेपाल के किया इन्वॉल्व केलकै है और नेपालों के तरफ से एहि में इनकार नहीं भेलै है। तथापि ई बात पर एखन तथ्यपरक ढंग से दावी नहीं कैल जा सकै छै जे भारत और चीन के बीच में तनाव छै तैं नेपाल ई काज कए देलकै। नेपाल के ई इशू बहुत पहिने से रहे। अब संजोगवश भारतीय रक्षा मंत्री के द्वारा जे सड़क के उद्घाटन कैल गेलै तै लए के ई विषय ट्रिगर भए गेलै, ई विषय एक्टिवेट भए गेलै। जी अब कनी जे भूमि के विषय में बात करब, एक विषय अपने लौने रहिए जे जना कि लिम्पुआ धुरा लिपुलेक आ काला पानी ई क्षेत्र सुदूर पश्चिम प्रदेश में पड़े छे, अगर ई चल आबे छे तब नहीं। आ विस्तार के विषय में जे बात करिए जे हिसाब से संविधान में छे लिखल कि कोनो भी प्रदेश में अगर भूमि आबे छे नया भूमि कोनो आबे छे तो ओहन अवस्था में ओत के प्रदेश सभा से स्वीकृत लिए पड़े या पास हुआ पड़े, ताके बाद बहुमत प्रदेश से और प्रदेश से स्वीकृत लेला के बाद मात्र सदन में गेल जेते या ताके बाद मात्र पारित कैल जेते, तेहन किसी के व्यवस्था छै। तो आई के अपने बड़ा चर्चा में सेहो अन्य रहिए, आई विषय में की कहबे अपने? अजय जी, एहि विषय के स्पष्ट रूप से बुझल जाए, संविधान संशोधन के वास्ते वर्तमान संविधान में धारा 274 में व्याख्या कैल छै, जेमे 8-9 टा ओकर उपदफा सब छै। संविधान के अन्य कोनो भी धारा का संशोधन करे ले सामान्य प्रक्रिया छै, लेकिन प्रदेश सीमांकन परिवर्तन करे के वास्ते 3-4 स्टेप स्पष्टतः किकान के साथ लिखल गेल छै, तोकल छै। उपधारा 4 में स्पष्ट रूप से लिखल छै अगर कोनो प्रदेश के सीमा परिवर्तन होइ छे या कैल जाइ छे तो ओहन अवस्था में संघीय संसद में प्रस्तुत कैल प्रस्ताव के प्रदेश सभा में पठाव पड़ते। अब ओहिठाम संबंधित प्रदेश सभा नहीं लिखल छे, सिर्फ प्रदेश सभा में पठाव पड़ते और वो प्रदेश सभा के द्वारा सामान्य बहुमत से ओहि प्रस्ताव के स्वीकृत या अस्वीकृत कै के 3 महीना के भीतर वापस संघीय संसद में पठवे पड़ते। ई छे उपधारा 5 में, उपधारा 4 के मुताबिक पठवे पड़ते, उपधारा 5 के मुताबिक 3 महीना के अंदर स्वीकृत अस्वीकृत कह के ओकरा फिरता संघीय संसद में पठवे पड़ते। तहिना उपधारा 6 और 7 के मुताबिक बहुमत प्रदेश सभा द्वारा अगर प्रस्ताव अस्वीकृत होइ छे तो प्रस्ताव निष्क्रिय मानल जेते। अब एकटा प्रश्न की उठे छे जे अगर संघीय संसद सिर्फ एकटा प्रदेश सभा में पठेतै तो फिर बहुमत प्रदेश सभा द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत कोना हेतै? एकर मतलब छै जे सबटा प्रदेश में पठबे पड़ते ओहि प्रस्ताव के और तकर बादे अहाँ बहुमत प्रदेश सभा द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत जे भी हेतै ओ कए के फिरता पठेबै। तो ई प्रक्रिया तो कोनो ने कयल गेलै ने, ई तो सीधे संघीय सदन से पारित कयल गेलै ने जी। हम बता रहल छी, लेकिन अभी एकटा प्रश्न उठै छै देवे जी, एमे एकटा प्रश्न इहो उठै छै, संविधान में लिखल छै कि कोनो भी प्रदेश के सीमांकन परिवर्तन होइ छै तब नहीं,
लिंकन परिवर्तन के मतलब एहिमे तऽ स्पष्ट रूप से आंतरिक परिवर्तन के बात केने छै ने जी अपने कह रहल छी बाहरी परिवर्तन जी नहीं 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 आंतरिक और बाह्य शब्द प्रयोग नहीं छी संविधान में कतौ भी। संविधान में सीधा प्रदेश के सीमा परिवर्तन भेला पर मात्र एतबे लिखल छै अहां स्पष्ट रूप से धारा 274 के उपधारा 4 पढ़ सकै छियै। ई बात हम पहिनो एकटा राष्ट्रीय तो इहो बात होय छै कि प्रदेश के सीमा परिवर्तन भेलै या देश के परिवर्तन भेलै पहिले तऽ देश अबै छै ने नहीं 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 देश और प्रदेश से कोनो मतलब नहीं छे। अहां देश के सीमा परिवर्तन करै छी और उसमें प्रदेश के सीमा परिवर्तन भेले तो वो धारा एक्टिवेट भए गेले ओकरा अहां इनकार नहीं कर सकै छी। वो कखन अहां ई बात कहि सकै छी जे देश के सीमा परिवर्तन में अगर कोनो प्रदेश अहां एहन बनौने रहतिए जे प्रदेश सिर्फ देश के भीतर में रहते जना भारत में मध्य प्रदेश छै छत्तीसगढ़ छै या अहां के की कहै छै और प्रदेश सब छै कैटा जकर कोनो भी सीमा देश के अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं जुड़े छै। अगर एहन प्रकार के कोनो प्रदेश नेपालो में बनल रहते तो ओय प्रदेश के सीमा परिवर्तन के समय अहां ई बात बाजि सकै रहिए जे ई देश के सीमा परिवर्तन छै प्रदेश के नहीं छै। हालांकि देश और प्रदेश के सीमा संबंधी कोनो व्याख्या सेहो नहीं छै संविधान में ई कतो लिखल नहीं छै मतलब संविधान में लिखल नहीं छै तै आधार पर अपने कहि रहल छियै कि पहले प्रदेश से कराबक छलै। हाँ तो जहन अहां से प्रदेश के सीमा परिवर्तन लिखने छे किट के अहां के तो ओकरा माने पड़त। अगर अहां ओकरा नहीं माने छे तो एकरा संवैधानिक त्रुटि मानल जेते और ये एकटा गलत नजीर बनले। अजय जी आई मान लिया एक प्रकार के अठा देश में माहौल बनल छे चलू ठीक छे अगर सिर्फ मधेश के जे मांग उठल छे मधेश के सबटा प्रदेश के एक कैल जाए ओकरा रोकै ला मात्र ई धारा बनायल रहे तहन तो हमरा किछ नहीं कहनाई है। अगर से बात नहीं छे ईमानदारी पूर्वक बात करे के छे ई एक नजीर भेले गंभीर नजीर भेले काल खाना अगर 2 नंबर प्रदेश और 5 नंबर प्रदेश के सीमा के जोड़े वाला बात हेते तखनो तो आब अहिना करे पड़ते प्रदेश में पठबे के जरूरत नहीं रहते ओकरा त अहां संघीय संसद से तहिया फिर मतलब संघीय संसद से पास भ गेले त भ गेले ई धारा केला चाहिए करे पड़त ने एखन अहां के लिए ये अगर एखन अहां के लिए ये तो तहिया किया न करबे तहिया संविधान संशोधन क के ई धारा के सुधारल जाए संशोधन क्या अब अहां ओहिसे तो ई त्रुटि नहीं ने सुधर जेते। संविधान संशोधन क के अगर अहां ई धारा का सुधारबे तो जे नीति में ई धारा का अहां सुधारबे तकर बाद अहां ओकरा फिर एक्टिवेट करबे और ई ऑलरेडी एखन जे अहां एक्टिवेट के लिए एखन तो वो धारा छेबे करे ना वो धारा के रहितो ओकरा उपेक्षा क के बाईपास क के सरकार आगू बढ़ले और संपूर्ण सदन आगू बढ़ले और आश्चर्यजनक छे एहि विषय पर ककरो ध्यान नहीं छे जबकि हम विषय पहिनो उठा चुकल छी जी। अखन ब्रेक लड़ल छे ब्रेक के बाद फिर बातचीत जाए रहा ब्रेक के बाद स्वागत करी छी अपन विशेष में आई जुड़ल छे राजनीतिक विश्लेषक तथा मधेश संवाद समूह के संयोजक देवेश झा। आई बातचीत करल छी नक्शा जे सार्वजनिक भेलै या कही औपचारिक रूप में आब ई वैधानिकता प्राप्त केलके नक्शा एहि विषयमे चर्चा कर रहल छी। देवेश जी ई तऽ भेलै विभिन्न किसिमके तर्क अपनाउ कऽ रहल छी विभिन्न किसिमके तर्क जे हिसाबसँ कहली कि संविधानमे जे व्यवस्था कयल गेल छै ओ प्रक्रिया पूरा नहि केलकै से अपने कहि रहल छी ई अपन नाममे छै। आब रहलै कि नक्शा तऽ सार्वजनिक भऽ चुकलै आबके अवस्था अपने की देखै छी आब की हेतै वास्तवमे ई समस्या के समाधान तऽ खोजऽ पड़तै नेपाल भारत जोड़े झगड़ा तऽ नहि कऽ सकै छै लड़ाई तऽ नहि कऽ सकै छै युद्ध तऽ नहि कऽ सकै छै नहि तऽ एकर तऽ निकास की भऽ सकै छै। नहि नेपाल के एखनका जे अवस्था छै एकरामे युद्ध नहि कऽ सकै छै एकटा तर्क भेलै लेकिन युद्ध नहि करतै या नहि कर सकतै ओ फेर दोसर तर्क। ई नक्शा जारी भेला के बाद एहि भूमि प्राप्ति के वास्ते जम्मा 3 टा मार्गचित्र संभव छै। पहिल मार्गचित्र छै जे दुनू देश के नापी टोली फीता लए कऽ जाए कऽ अपन दावी के अनुसार अपन तर्क और अपन दस्तावेज के अनुसार अपन जमीन छुटिया ई भेलै पहिल तरीका जे कि अहाँके 2063-64 के बाद से स्थगित छै। 2063-64 तक करीब 98% भारत और नेपाल के बीच के सीमा के स्ट्रिप मैप सिग्नेचर भेला के बाद एकरा रोक देल गेले और वो एखन तक रुकल छे। अब दोसर तरीका छे जे
अहाँ लेन देन कऽ के कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से ई बात के सलटा लिए, जकर आब संभावना काफी नैरो भए गेलै, काफी ओहि जगह पर संकुचन भए गेल छै, किए तऽ नेपाल जहन संविधान तय नक्शा के स्वीकार कए लेलकैए तब नेपाल के पास ओहि जगह पर निगोशिएशन करे के कोनो बात नहि रहै। ई बात अपने पहिलो कहलिए कि निगोशिएशन के कोनो संभावना नहि छै आब, नहि अगर भारत नहीं लगे फिर जे हिसाब से अखन तक प्रतिक्रिया अल भारत के ओते गंभीर नहीं देखल गेल भारत की हम जाके वार्ता क लेबे, मतलब एक मतलब एक बड़े भाई वाला ओहन किस्म के रवाब तो देखे तैयार से भारत से हो नहीं तो वार्ता करबे लचकता भारत से देखल के से बात नहीं है तो आप वास्तव में हेते की तो वो हम बता रहा चलो है तो अब अहाँ के पास दूटा रास्ता मार्ग चित्र बैठ जाइए। एक रास्ता है जे अंतरराष्ट्रीयकरण करू ये विषय के, और दूसरा रास्ता है जे एकरा अहाँ बल प्रयोग के द्वारा प्राप्त करू। तो बल प्रयोग के वास्ते तो एक मार्ग चित्र फिक्स होइ छै जे सैन्य बल प्रयोग करू, दोसर कोनो बल रहि नहि जाइ छै, ओ आब प्रयोग भेला के बाद ओकर निर्णय हेतै, ओहि विषय पर एखन नहि जाय। आब रहलै अंतरराष्ट्रीयकरण करू, अंतरराष्ट्रीयकरण में दूटा रास्ता होइ छै, एकटा रास्ता राजनीतिक रूप से अंतरराष्ट्रीयकरण करनाय, दोसर अहाँके प्राविधिक रूप से अंतरराष्ट्रीयकरण करनाय। प्राविधिक अर्थ भेल जे अहाँ कानूनी हिसाब से आगू बढ़ू, ओहि वास्ते अंतरराष्ट्रीय अदालत के चर्चा अहाँ काफी सुनने हेबै, अंतरराष्ट्रीय अदालत में विषय के ले जाना चाहिए। राजनीतिक रूप से छै विषय के राजनीतिक रूप से मित्र राष्ट्र सब, अब एहन राष्ट्र सब जे राष्ट्र की भारत और नेपाल दुनू के मित्र छी, एहन अनेको राष्ट्र छै, चाहे वो अमेरिका भए सकैए, इंग्लैंड भए सकैए, फ्रांस भए सकैए, बहुत सारा एहन देश छै, जापान भए सकैए, जे भारतो के मित्र छै और नेपालो के मित्र छै, ओहि जगह से कूटनीतिक प्रयोग भ सकै छै, ओहि जगह से कूटनीतिक माध्यम द्वारा वार्ता भए सकै छै, जे बीच में सहजकर्ता के रूप में काज कर सकै छी। अगर भारत और नेपाल के बीच में डायरेक्ट रूप से बात नहीं भए पाबि रहल छै, कोनो बात के जिद्दी जिद भए गेल छै, तो तेसर माध्यम के प्रयोग कयल जा सकै छी। और अंतरराष्ट्रीय समुदाय समक्ष जाय पड़लै नहीं, एकरा अंतरराष्ट्रीय नहीं नहीं एकटा विकल्प नहीं कहलहुं हम ई बतेलहुं, नहीं तो अपने दोसर जे विकल्प मारे युद्ध करे वाला विकल्प छै, लड़ाई झगड़ा तो संभव नहीं है ना। नहीं नहीं अजय जी अहाँ ये बात में क्लियर हो, अंतरराष्ट्रीय मार्ग चित्र में दूटा रास्ता है अहाँ के पास, एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक मार्ग चित्र हो और एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी मार्ग चित्र हो, वो बतेलो हम। अब ओकर अलावा बल प्रयोग के जे मार्ग हो जिसमें सेना इन्वॉल्व हो दूटा मार्ग हो, सेना के मतलब सीधे युद्ध नहीं हो अजय जी, सैन्य कूटनीति के फिर अपन अलग महत्व है। अहाँ के एक बात स्पष्ट रूप से बुझना चाहिए, नेपाल और भारत के बीच में जो अघोषित नाकाबंदी के प्रकरण रहे, उस समय में ट्रैक टू डिप्लोमेसी नेपाली सेना के द्वारा कैल गेल रहे, और नेपाली सेना ट्रैक टू डिप्लोमेसी कह के वो नाकाबंदी के समाप्त करेने रहे, ये काफी महत्वपूर्ण है। रविन्द्र छेत्री जो उस समय प्रधान सेनापति छलखिन है, वो भारत में जाकर नेपाल के परिस्थिति और नेपाल के अवस्था के बारे में अवगत करबे, अपन जे हुनकर एक राजनीति सैन्य कूटनीति के हुनकर माध्यम रहे तकरा प्रयोग कह के इस समस्या को समाधान करलखिन रहे। ये बहुत कम लोग के जाते हैं अपन कूटनीति के बात करें, हम एक चीज सैन्य कूटनीति के माध्यम से सेहो समस्या समाधान कैल जा सके छे। बिल्कुल हम अखन कनी दिन काल संभवतः काल ही आज तक मैं एक काफी लंबा हूं, भारतीय जे सेनापति छे हुनकर जे अभिव्यक्ति एले ओहो कतो ने कतो तो जेहन किसिम के अभिव्यक्ति एले जेहन किसिम के बॉडी लैंग्वेज रहे तो ओइसे तो ई नै देखाय छै कि ओहो गंभीर छै। नै नै ए विषय के कनी एहि तरह से लेनाय ठीक नै हेतै, मीडिया अपना तरीका से ए विषय को उठा के आनलक, जहां तक हमरा जानकारी है भारत के प्रधान सेनापति के ओ नेपाल के लक्षित स्टेटमेंट नहीं रहे, जकरा एहि तरह से आनल गेलै, एना नहीं आनल जाय छै कि प्रधान सेनापति स्तर पर कोनो स्टेटमेंट जहन आबै छै, स्टेटमेंट के शब्द हम प्रयोग केलहुँ जे कि दस्तावेजीकरण होइ छै, ओकरा एहि तरह से नहीं आनल जाय छै। ओ जस्ट की रहै तऽ हुनकर समझ एकेडमी छै, एकेडमी के कार्यक्रम में जहन प्रधान सेनापति ओहिठाम पहुँचल छलै था भारत के प्रधान सेनापति, तो हुनका क्यों एहि तरह के प्रश्न केलकै अपन साथी मित्र में जे नेपाल में एना एना भेलैए, तो ओहो एकटा साथी मित्र जकाँ कहि देलखिन जे अरे वो किसी के उकसाने पर वो लोग ऐसा कर रहा है, वो ऐसी बात नहीं है, हमारे मित्र है।
वो बात के ऐठा तुल दे दिल गई है वो विषय वास्तव में जकर अहाँ के याद है जहन ए विषय पर नेपाल के प्रधान सेनापति से प्रतिक्रिया मांगल गेले तो बड़ा अस्थिर से नेपाली सेना ओकर जवाब देने छे जे उचित अवसर पर उचित प्लेटफॉर्म में हम एकर बारे में प्रतिक्रिया जनाब वास्तविकता सह छी। और कल खाना अहाँ का आज तक चैनल के हम एक न्यूज देखलिए रहे जैमे ए बात के रखल गेल छे जे आवश्यकता पड़ला पर सैन्य कूटनीति के प्रयोग कयल जेतै। सैन्य कूटनीति सबसे गंभीर चीज होइ छे और सबसे मजबूत होइ छे। हम आज के डेट में समस्या के समाधान के यह का मार्ग चित्र देख रहा हूँ कि ये एक निक मार्ग भाव सके जिसे अपने करें विकल्प में सा निक विकल्प हाँ। अब देना कि बाबूराम भट्टराय जी बीच में प्रश्न अनलखिन रहे जे हमरा सहजकर्ता के रूप में प्रयोग कैल जाए क्या तो हुनकर अपन तर्क छे जे निर्मला सीतारमन और एक और मंत्री दूटा मंत्री ए परराष्ट्र मंत्री भारत के परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर और अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन दोनों गोटे हुनकर साथे पढ़े छलखिन है जेएनयू में तो चाहे छथिन बाबूराम भट्टराय जी अई चैनल के हम प्रयोग करी। किस दिन पहले सुजाता कोइराला कहलखिन रहे जे हमर एक अपन स्पेशल लिंक ये हमरा मौका दिल जाए नेपाली नेता सबके व्यक्तिगत लिंक तो पहनो से लोग को बुझल छी तो चर्चित छी सबके अपन अपन निजी लिंक सब छी जे लेके तो एते बवाल खड़ा भेल छी या निजी लिंक निजी सुविधा तो मित्रवत संबंध नेपाल भारत के छै एकरा से उपयोग कयल जा सके छै ई समस्या समाधान के लेल। निस्संदेह नेपाल भारत के बीच मित्रवत नहीं पारिवारिक संबंध छै एहन कोनो घर नहीं छै नेपाल में जे घर से एकटा ने एकटा नाता गोता भारत के संगे नहीं छै इतने गहरा संबंध भेला के बावजूद एहि तरह से होबे नहीं छै। अब नेपाल भारत के संबंध पारिवारिक छै पौराणिक संबंध छै ने बेटी रोटी के संबंध छै मित्रवत संबंध छै ई त छै लेकिन एक किसिम से एक नक्शा सार्वजनिक भेलै। दोसर बात कही त कतौ ने कतौ नेपाल भारत के संबंध बिगाड़ वाला षड्यंत्र सेहो शुरू भ गेल छै ने बिगाड़े वाला षड्यंत्र के पहिने वीडियो सार्वजनिक भेलै त नेपाल के झंडा जराउल जा रहल छै भारत में एहन किसिम के वीडियो सबसे सार्वजनिक भेलै त एक क्या के बात करी भारत के जे मीडिया सब छै जै हिसाब से मीडिया एकरा अथी करल छै त एकरा कोन रूप में लड़ल छै अपने की मतलब कतौ ने कतौ संबंध बिगाड़ वाला षड्यंत्र से शुरू भ गेल छै ने। अजय जी अहाँ स्वयं मीडिया कर्मी छिए और मीडिया के व्यावसायिकता के बारे में अहाँ नीक जका अवगत छिए। कोनो भी मीडिया ई प्राइवेट चैनल सब जतेक होइ छै ओकर मुख्य उद्देश्य व्यवसाय छिए समाचार प्रसारण के ऑथेंटिकेशन या ओकर प्रभाव से ज्यादा ओकरा अपन टीआरपी और ओकरा अपन मार्केट ओकरा अपन विज्ञापन कलेक्शन करे के माध्यम ई ओकरा वास्ते निर्णायक होइ छै महत्वपूर्ण होइ छै। तो भारत के संचार माध्यम कहाँ देखबे कोनो भी भारत के संचार माध्यम में कहलो हम निजी संचार माध्यम फिर सरकारी चैनल के ऑथेंटिकेटेड होइ छै निजी संचार माध्यम कोनो भी विषय के अतिरंजित ढंग से प्रस्तुत करै छै। अब समाज ओहि तरह के छै कनिया टीवी चैनल के ई अहाँके टीवी सीरियल ई सब के प्रभाव छै अब लोग के कनिया चटपटा मसालेदार समाचार में रुचि जागै छै तो चैनल सब फिर वही तरह से समाचार के प्रस्तुत करै छै वही विषय के सीरियस नहीं बनाना चाहिए। कोनो टीवी चैनल कोनो समाचार प्रस्तुत केलके तो वो राष्ट्रीय नीति के या राष्ट्रीय राजनीति के प्रभावित करे लागते तखन तो देशे चले नहीं मुश्किल भ जेतै ने के प्रभाव में नहीं पड़े के चाहिए नहीं बिल्कुल नहीं जनता प्रभावित होइ छै जनता में प्रभाव नहीं पड़ते से बात नहीं छै जनता सीधा साधा जनता होइ छै भावुक होइ छै जनता ओहिसे प्रभावित भए जाइ छै उत्तेजित होइ छै प्रसन्न होइ छै नाराज होइ छै लेकिन राजनीतिक तह में बैसल व्यक्ति या प्रशासनिक तह में बैसल व्यक्ति अगर वैसे प्रभावित हुए लगते तो तखन वो सफलतापूर्वक काई नहीं कर सकते। जी जी देवेश जी अपने से ये जो समाजवादी पार्टी के नेत्री सरिता को गिरी जे जही हिसाब से एक किस्म से अलगे असगरे खड़ा उतर ले कि गलत है नक्शा संशोधन नहीं कैल जाए संविधान संशोधन नहीं कैल जाए नहीं ओहि पर दोसर संशोधन सेहो ओ रखने रहथि ओहि दिन तऽ बहिष्कारे करऽ पड़लै हुनका सदन के नहि तऽ हुनकर स्टैंड के अपने कोन रूप में लड़ल छी। अजय जी हमरा बुझाइए एहिमे लोक के बुझै में फर्क छै हमरा काफी आश्चर्य लागल जे सरिता गिरी के एतेक ज्यादे हुनका विरुद्ध में जे हंगामा हाइतवा मचायल गेलै इवन अपने ध्यान देने हुए जे एकटा टीवी चैनल में अंतर्वार्ता उदन्न रहथिन तकर बाद ई बात के बड़ा भयावह ढंग से निकालल गेले अंतर्वार्ता में जे बात सरितागिरी कहने रहथिन तकरा क्रॉप कए के सिर्फ आधा बात हुनकर प्रसारण कयल गेले
हमरा जहां तक जानकारी है संसद में वो एको बेर नहीं रहे नक्शा संशोधन नहीं कल जाए एको बेर नहीं रहे संसद में हुनकर स्पष्ट कथन रहे जे संशोधन के कारण की छे वो कारण ओहिठाम उल्लेख होना चाहिए जे प्रस्ताव आयल ये तो स्वाभाविक है जखन अहाँ संसद में कोनो प्रस्ताव आनबे अहाँ के कैफियत में ओकर कारण जनबे पड़त ई प्रस्ताव कथी ला अहाँ आनलिए। नेपाल के परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली आज तक चैनल में अंतर्वार्ता दैत स्पष्ट रूप से कहने छथिन जे सुगोली संधि 1816 के सुगोली संधि के आधार पर हम ई दावा कह रहा यदि अहाँ ई बात भारतीय टेलीविजन चैनल के कह सकै छिए तो संसद में ओकरा इंडोर्स करे में की प्रॉब्लम है। सरतागिरी के तर्क सिर्फ एतबे रहे उनकर बहस एतबे रहे जे हाँ अगर अहाँ सुगोली संधि के आधार पर ही कह रहा छिए तो ओकरा इंडोर्स कह दियो जकरा ई सब करे ले तैयार नहीं छथिन संसद में तो अहाँ की कह के ओहिठाम संशोधन कह रहा छिए नक्शा के और अगर अहाँ किछो नहीं कह रहा छिए तहन ई प्रस्ताव पूर्ण नहीं है अपूर्ण प्रस्ताव है जनता समाजवादी पार्टी के बात करी जनता समाजवादी राजपा सपा छले पहले लेकिन पहले की कि पैकेज में संविधान संशोधन हुआ पड़ल से कहते आये छे लेकिन जब एक ही भाग गए तो नक्शा में सहमति जनवल गई मधेश के मुद्दा मधेश के एजेंडा बाद के बात है लेकिन देश के बात है ते द्वारे में सहमति जनाब आवश्यक है कि पार्टी आगे बढ़ल एक रूप में लड़ल जखन देश के बात अबे तखन सबके एकजुट हुआ नहीं बढ़िया बात है एक अन्यथा नहीं ले जाए देश के विषय में संपूर्ण राष्ट्र के एकजुट भेनाई तो बहुत बढ़िया बात छे लेकिन अपन मुद्दा के त्याग कैके कोनो भी चीज करना ओते बुद्धिमानी हेते जना हमरा नहीं लागे है। अगर हिनका सबके कोनो निगोशिएशन ऐ संबंध में भेल छे जे कोनो अद्भुत नहीं छे निगोशिएशन तो करे चला या ऐसे पहिनो उपेंद्र जी निगोशिएशन कै के दू बूंदे समझदारी कै के सरकार में गेले छले थे भले ही वो निगोशिएशन उनकर फलीभूत नहीं भेले तहिना एखन फेर अगर पर्दा के पछाड़ी कोनो निगोशिएशन भेल छे तो ई हमरा सबक वास्ते एकटा खुशिये के बात हेते पूरा होना चाहिए पूरा अगर होय छे तो बढ़िया बात छे अगर ई सब निशर्त सिर्फ वातावरण ठीक बनबे के वास्ते ई केलखिन यत ओहो नीके बात छे ओकरो अन्यथा नहीं लेना चाहिए लेकिन प्रश्न की छे जे अपन मुद्दा के त्याग के अगर केलखिन ये तो तहन गंभीर छे मुद्दा तो समाप्त नहीं हेते नेतृत्व समाप्त भ सके छे होय नेतृत्व आवेत रहे छे जायत रहे छे व्यक्ति के आयु से मुद्दा के कोनो लेना देना नहीं हुनकर सबके इहे कथन है लेकिन देश पहिल प्राथमिकता पहले देश के बात करी फिर तो बात मुद्दा पर एबे करते संशोधन करबे करते जी बहुत बात नहीं ठीक बात है अन्यथा नहीं मानल जाना चाहिए बात ठीक है देश के वास्ते सबको एकजुट भेनाइ बढ़िया बात है देश के मामला में सब एकजुट भेले बहुत बढ़िया बात है तहन अपने मुद्दों पर कायम रहना चाहिए अमेर संशोधन या अमेर कोनो तरह के समझौता उचित नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद देवेश जी धन्यवाद। दर्शक वृंद ओ छले देवेश झा राजनीतिक विश्लेषक आई हुनका से बातचीत करे छलिए कि नेपाल के नक्शा परिमार्जित नक्शा कहे या सुधार कल गया नक्शा जे कतौ न कतौ भारत कब्जा कर रखने छे उ नक्शा भूमि के आनक लेल नया नक्शा सार्वजनिक भेलै ई नक्शा के आब वैधानिकता प्राप्त भेट गेलै लेकिन वैधानिकता भेट गेलै लेकिन आब ओ भूमि केना के फिरता है एहि के लेल की करक चाही एहि विषय में चर्चा करै छी। बेस्त नमस्कार।